गठबंधन को लेकर अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आधिकारिक रूप से कोई चर्चा शुरू नहीं हुई। अभी दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप की तरफ से गठबंधन के संकेत दिए गए हैं, लेकिन गठबंधन होगा तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, अभी यह तय होना बाकी है। अगर बात हरियाणा के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो हमेशा 3 पार्टियों के बीच चुनावी मुकाबला होता आया है, लेकिन अब की बार चुनावी लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। पिछली बार में अगर आप देखें तो 19 में जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी ले आई थी 10 सीटें। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं, साल 2009 में कांग्रेस ने 35.8% वोट के साथ 40 सीटें जीती थी। आईएनएलडी 25.79%, 26% के आसपास वोट शेयर के साथ 31 सीटें, सोचिए आप, आईएनएलडी ने उस वक्त जीती थी। बीजेपी ने 9.4 के साथ 4 सीटें जीती थी, जबकि अन्य के खाते में आई थी 15 सीटें। अब आप आ जाइए 2014 में, कांग्रेस को 15 सीटें मिली, आईएनएलडी ने 19 सीटें जीती, और उसके बाद बीजेपी ने 47 सीटें 2019 में, मतलब जिसको कहते हैं क्लीन स्वीपिंग मेजोरिटी, 90 सीटों में से 47 सीटों के साथ, और अन्य को 9 सीटें। 19 में लेकिन बाजी काफी हद तक बीजेपी के लिए पलट गई, क्योंकि वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए। 40 सीटें उनकी आई, 31 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, आईएनएलडी ने 1 सीट जीती, और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने जीत ली थी 10 सीटें। ऐसे में गठबंधन का मामला हो गया बिल्कुल अलग, और जो तस्वीर बनी वो आप देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी के लिए राहुल गांधी बीते 1 साल से पसीना बहा रहे हैं, इसे आप कुछ तस्वीरों से समझिए। हरियाणा में किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। राहुल ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट से संसद में मुलाकात की। राहुल ने संसद में एमएसपी पर कानूनी गारंटी का कमिटमेंट किया। वहीं मोदी सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ राहुल ने मोर्चा खोल रखा है। हरियाणा में अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, यानी अग्निवीर योजना के बहाने राहुल हरियाणा के युवा वोटरों को साधने में जुटे हैं। हरियाणा के चुनाव में महिला पहलवानों के यौन शोषण का भी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी लगातार महिला पहलवानों की आवाज उठाते आए हैं, मतलब राहुल का प्लान हरियाणा तैयार है। पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जय किसान की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। जो आपका था वो छीना, 3 काले कानून लाए हम, जमीन अधिकरण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों की मदद करने के लिए जमीन अधिकरण बिल को खत्म किया। उसके बाद 3 काले कानून आए, हिंदुस्तान के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटक तमिलनाडु के किसान सड़क पे आ गए और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में यही 3 बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर राहुल के तेवर आक्रामक है और बीजेपी बैकफुट पर है। पहला मुद्दा, एमएसपी पर किसानों की नाराजगी। दूसरा मुद्दा, अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी। तीसरा मुद्दा, महिला पहलवानों के यौन शोषण का केस। एक तरफ राहुल ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए मुद्दों को चुना, तो दूसरी तरफ हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों से सीधे खुद को जोड़ा। राहुल ने बार बार यही संदेश देने की कोशिश की, हरियाणा से बीजेपी का पैकअप पक्का है। जब वो 2019 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको? याद है ना? ये
कांग्रेस जो है ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। पंजाब विधानसभा से सबक लेते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा में गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। हरियाणा के नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, यानी किसी लेवल पर कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। फिर चाहे लोकल यूनिट के विरोध के बाद भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का समर्थन करना हो। अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। भले ही दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा हो, लेकिन हरियाणा चुनाव में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राहुल गांधी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत बहुत जरूरी है। पार्टी को जीत मिली तो मोदी को हराने वाले नैरेटिव को बल मिलेगा। अगर पार्टी को हार मिली तो लोकसभा में कांग्रेस को मिली जीत की मिठास कम हो जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन को राहुल गांधी की इमेज से सीधे जोड़ा जाएगा। हुड्डा जी ने कहा, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। मैं उसको थोड़ा बदलना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये आपका औजार है, ये आपका हथियार है। किसका? किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का, ये उनका हथियार है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, आने वाला समय हरियाणा की जनता का, किसान का, मजदूर का होगा। गुजरे 10 वर्षों में राहुल गांधी ने हरियाणा में यही दावा किया कि यहां गुजरात वाला मॉडल नहीं चलेगा। तो उन्होंने अब नया गुब्बारा निकाला है। पहले उसमें वो हवा भरते थे, इस बार इस गुब्बारे में उन्होंने गैस भरी और गुब्बारा का नाम है गुजरात मॉडल, और उसको लटका दिया ऊपर। जहां भी जाते थे हर मीटिंग में 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। मिल गया, मिल गया। कोई है यहां जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो? नहीं। तो अब समय आ गया है, आपको देश को रास्ता दिखाना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। ये हरियाणा जो है पूरे देश को रास्ता दिखाता है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब आप देश को रास्ता दिखाइए, विकास का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता, ओलंपिक्स वाला रास्ता। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए राहुल के नैरेटिव का काउंटर करने में जुटी है। जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मनोहर लाल को हटाकर पिछड़ी जाति से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठाया, और तो और जाट वोट में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा। अब सवाल यही है कि क्या किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी जाट समाज की नाराजगी को दूर कर पाएगी, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटरों पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जाट समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। ऐसे में जेजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं होगी। आज तक ब्यूरो।